मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले के महिलाओं के खाते में मैयत सम्मान योजना का पैसा भेज दिया है। साथ ही राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में मैयत सम्मान योजना का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत 22 अगस्त को पलामू प्रमंडल के मोदी नगर में और 23 अगस्त को उत्तरी छोटा नागपुर के हजारीबाग में महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित कर मैयत सम्मान योजना की राशि जारी की जाएगी, जिसके बाद 27 अगस्त को संथाल परगना के दुमका, 28 को कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा तथा 30 अगस्त को दक्षिणी छोटा नागपुर के रांची में महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। मैया सम्मान योजना के तहत राज्य में हर पात्र महिला को साल में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इस बीच योजना को लेकर आ रहे फर्जी कॉल को लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों को सावधान किया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संदर्भ में सूचना आ रही है कि कई लाभुकों के मोबाइल नंबर पर योजना को लेकर कॉल आ रहे हैं, जो पूरी तरह से फर्जी है। इसलिए योजना के तहत निबंधित बहन बेटियों से आग्रह है कि योजना के संदर्भ में या राशि हस्तांतरण से संबंधित कॉल आने पर OTP या अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी कॉल करने वालों के साथ साझा कदापि ना करें। झारखंड सरकार इस योजना को लेकर किसी भी तरह का कॉल नहीं कर रही, अतः आप सभी सतर्क रहे और ऐसे कॉल आने पर अपने बैंक खाता की जानकारी नहीं दे। तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड से बचना बहुत ज़रूरी है। कई लोग मैसेज या कॉल करके फ्रॉड कर रहे हैं। SMS, WhatsApp, मेल या टेलीग्राम के जरिए भी मैसेज आ सकते हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है, सावधान रहें।